हेल्थ इज वेल्थ एक ऐसी लाइन जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, बट आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताऊंगी अपने हेल्थ से रिलेटेड जो हम डेली कर रहे हैं, वो कौन सी गलतियां हैं एंड प्लस कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, वो भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं दीक्षा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के बारे में क्या गलत फहमी है, क्या गलती करते हैं हम? हमारे माइंड में एक बात है कि ब्रश के ऊपर पेस्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मीन्स फुल होना चाहिए ब्रश पेस्ट के साथ, एंड प्लस ब्रश करते हुए मुंह में ज्यादा झाग बनने चाहिए। ये हमारी गलत फहमी है, जबकि पेस्ट का काम होता है हमारे ब्रश के ब्रिस्टल्स को सॉफ्ट बनाना। पेस्ट कम लगानी चाहिए और ब्रशिंग अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे दांतों में, हमारे मुंह में चुभे ना, इसीलिए हम पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट उन्हें सॉफ्ट बनाती है, उसके बाद ब्रशिंग हमें अच्छे से करनी चाहिए। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज ईयरबड्स। ईयरबड्स होते हैं कानों को साफ करने वाले, जिसमें एक स्टिक होती है और ऊपर कॉटन लगी होती है। मार्केट में ऐसे ऐसे ईयरबड्स आते हैं जिनके एंड पर कॉटन लगी होती है। अपनी तरफ से तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने कान साफ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम गलत करते हैं, क्योंकि ईयरबड्स यूज करने से हमारे ईयर ड्रम्स कान के पर्दे पर असर होता है, जिसकी वजह से सुनने की शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि जो ईयर ड्रम होते हैं, यानी कि जो कान का पर्दा होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, और जब ईयर ड्रम पर प्रेशर लगता है तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ईयर्स को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, तो ईयरबड्स की बजाय हमें ऑलिव ऑयल की दो दो बूंद दोनों कानों में डालनी चाहिए, तो सारी मैल अपने आप ही बाहर निकल जाती है। ये है कान साफ करने का सही तरीका। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज नॉट क्लीनिंग यूजेबल ऑब्जेक्ट्स। आई मीन टू से, हम लोग अपना ध्यान तो रख लेते हैं जैसे कैसे, बट कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचना ही भूल जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल, टीवी या एसी रिमोट, डोर नॉब, स्विचेस वगैरह। इन चीज़ों को हम दिन में कई बार हाथ लगाते हैं। अगर रेगुलरली हम इन चीज़ों की सफाई करेंगे तो इन पर बैक्टीरिया नहीं आएंगे, क्योंकि इन पर बैक्टीरिया आए और आपने उन्हें टच किया तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी में जा रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपना ही ध्यान रख रहे हैं। देन इज द फोर्थ पॉइंट, नॉट चेंजिंग टूथब्रश ऑन टाइम। ये हमारी चौथी गलती है। अपनी तरफ से तो हम अच्छे से ब्रश करते हैं, बट अगर आपका ब्रश पुराना हो गया है तो उसका आपके टीथ पर कोई असर नहीं होने वाला, और ब्रश पर बैक्टीरिया जमते हैं टाइम के साथ, इसीलिए हर 2 या 3 महीने में हमें अपना ब्रश चेंज करना चाहिए। ओके, देन इज द फिफ्थ मिस्टेक, नॉट वॉशिंग हैंड्स आफ्टर यूजिंग वॉशरूम। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा इंसान होगा जो वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ नहीं धोता होगा, बट आपको जानकर हैरानी हो गई कि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि 62% आदमी और 40% औरतें कभी हाथ धोते ही नहीं वॉशरूम यूज करने के बाद। तो मैं आपको बता दूं, जब हम वॉशरूम यूज करते हैं तो अराउंड 200 मिलियन बैक्टीरिया
हमारे हाथ में लग जाते हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि हैंड वॉश करना कितना जरूरी है। ओके, देन इज द सिक्स्थ मिस्टेक दैट वी डू, अगेन स्लीपिंग आफ्टर अलार्म। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 80-90% लोगों में पाई जा रही है। जब हम अलार्म लगाकर सोते हैं तो सुबह जब अलार्म बजता है 99% लोग अलार्म को 5 मिनट और सेट कर देते हैं, और 5 मिनट, फिर और 5 मिनट, और फिर सोते रहते हैं। बट ये भी हमारी एक गलती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक बार उठ जाते हैं, एक बार जब अलार्म बजता है, जब हम उठ जाते हैं, तो जब हम फिर से सोना स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड उतनी गहरी नींद नहीं ले पाता। इसकी वजह से 5 मिनट के बाद उठने पे हमें थकान होती है, सर में भारीपन लगता है और सारा दिन आलस रहता है। इसीलिए अपनी गलती को ठीक कैसे करना है, अलार्म बजने के बाद ही हमें उठ जाना चाहिए, बजाय कि उस अलार्म को 5 या 10 मिनट स्नूज करने के। ओके, देन इज द सेवेंथ एंड लास्ट मिस्टेक, वॉशिंग हेयर। हमारे बालों में नेचुरल ऑयल होता है जो नेचुरली हमारे बालों में पाया जाता है, जिसे सीबम ऑयल बोला जाता है। ये बालों की सेहत के लिए अच्छा होता है, बट कुछ लोग हर दूसरे दिन बाल धोते हैं, जिसकी वजह से उनके बालों में ये ऑयल कम होता जाता है धीरे धीरे, और उसकी वजह से बाल धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसीलिए इस गलती को ठीक करें और बालों को ज़्यादा, एक वीक में इतनी ज़्यादा बार ना धोएं। ओके, तो ये थी वो 7 गलतियाँ जो हम डेली कर रहे हैं। उसके साथ ही हमने जाना कि कैसे हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आई। इफ यस, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर कॉन्टेक्ट्स, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।